हेलो गाइस, मेरा नाम है आदर्श। तो आज के समय इंडिया में व्हाट्सएप यूजर्स बहुत सारे, इस बात के लगभग 55 करोड़ यूजर्स जो है व्हाट्सएप के। यस, जितने भी सोशल मीडिया से सबसे ज़्यादा जो यूज़र बेस है वो व्हाट्सएप का ही इंडिया में। और बात करें जो व्हाट्सएप पे आपको तरह तरह के फीचर्स भी देखने को मिलते हैं, लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में 3 अपकमिंग फीचर्स के बारे में बताने वाला जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होने वाला है। तो कौन कौन से फीचर्स हैं और कब तक ये आ सकता है, आज हम इस वीडियो में सारी बातें करने वाले। तो चलिए फिर आरम्भ करते हैं। तो बात कर लीजिए फर्स्ट फीचर्स के बारे में, तो वह है डिसिपेयरिंग मैसेज। यस, हालांकि ये फीचर्स तो पहले ही रोल आउट किया जा चुका है, और आपने अगर नहीं जानते तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ शॉर्ट में कि डिसिपेयरिंग मैसेज क्या होता था। पर्टिकुलर आप किसी भी प्रोफाइल के ऊपर अगर डिसिपेयरिंग मैसेज ऑन कर देते हो तो उससे क्या होगा कि 1 वीक के अंदर अंदर में आपने जितनी भी चैट्स की होगी, जितनी भी फोटोज वीडियो शेयर किए रहेंगे, सारे वो 1 वीक में सारे के सारे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। यस, ये डिसिपेयरिंग मैसेज बहुत अच्छा है, कमाल का फीचर है। अगर आपने यूज़ नहीं किया, आई बटन में आपको वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो देख के सेटिंग कैसे करना आप सारा जान सकते हो। ठीक, तो अब क्या इसमें नया चेंजेस किया जा रहा है कि अब पहले क्या होता था कि आप 7 दिन यानी 1 वीक में खाली आप डिलीट कर पाते थे, अब क्या होगा 24 घंटे या दिन के अंदर अंदर में ही जो सारे फोटोज वीडियो चैट्स जो आप सारी करते रहेंगे और पर्टिकुलर प्रोफाइल के ऊपर अगर आप सेट कर देते हो तो ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा। तो बात कर लीजिए फीचर्स कब तक आएगा। तो अगर जो मार्क जुकरबर्ग हैं उन्होंने इसके बारे में पूरा बताया था, और उन्होंने बताया कि 2 मंथ के अंदर अंदर में वीटा यूजर्स को दे दिया जाएगा। मतलब 2 मंथ आप समझ लीजिए, 3 मंथ में ही आपके पास में आ जाएगा और आप आराम से इसे यूज़ कर पाओगे। हालांकि अगर आपको 7 दिनों लग कैसे यूज़ करना वो वीडियो आप ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। और आगे बात की जाए सेकेंड फीचर्स के बारे में, वो है View 1 Photos and Video। ठीक है, मतलब आपने तो ऐसे सुन के पता कर लिया होगा कि भाई एक बार फोटोज और वीडियो देखना क्या होता है। आज के समय में अगर आप किसी को फोटोज वीडियोज भेजते हो, ठीक है, तो उसके पास पर्टिकुलर सेव हो जाता है, वो फोटोज वीडियोस का कुछ भी कर सकता है, अपनी गैलरी में सेव कर सकता है। ठीक है, अब क्या होगा जब नया अपडेट आएगा तो अगर आप किसी बंदे को फोटो वीडियोस भेजोगे वो सेटिंग के थ्रू करके भेजोगे तो क्या होगा, जैसे ही बंदा आपकी फोटोज या वीडियो डाउनलोड करेगा, डाउनलोड करके वहां पे एक बार देखेगा और बैक कर लेगा, तुरंत वो फोटो वीडियो डिलीट हो जाएगी। यस, ये बहुत अच्छा फीचर, पर्सनल मुझे बहुत पसंद है कि जैसे अगर आप किसी को भेजोगे बंदा देखेगा, बाहर निकलेगा, तुरंत डिलीट। हालांकि अभी ये बंदा उस फोटो का स्क्रीनशॉट ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा इसके बारे में अभी कोई डिटेल नहीं दी गई है। हालांकि मेरी सबसे बात की जाए तो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाएगा, नहीं तो फिर ये फीचर्स का मतलब क्या निकलेगा, बंदा तुरंत देख के स्क्रीनशॉट कर लेगा, बात खत्म, उसका तो काम हो जाएगा। तो मुझे तो जहां तक लगता है, मुझे जहां उम्मीद है 99% कि स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते, लेकिन अभी तक ऑफिशियल इसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं आया है कि कोई बंदा कैसे सेव कर सकता है, कैसे इसका स्क्रीनशॉट ले सकता है, लेकिन ये है कि डिलीट हो जाएगा। यस, बंदा एक बार देखेगा उसके बाद में ये फोटोज और वीडियो डिलीट हो जाएगा। और आगे बात की जाए थर्ड अपकमिंग फीचर्स के बारे में, तो मल्टी डिवाइस सपोर्टेड। यस, आज के समय में क्या होता है कि अगर आपने एक फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल किया हुआ है और वही नंबर से अगर आप दूसरे फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो तो पहले वाले में लॉग आउट हो जाता है। यस, बात कर लीजिए अगर आप कोई कंप्यूटर में भी करते हो, जैसे कि आपको पता है कि डेस्कटॉप मोड में अगर आप ओपन करते हो क्यूआर कोड स्कैन करके, तब पर भी कुछ टाइम के बाद में लॉग आउट हो जाता है। तो ये जो था ये बहुत दिन से फीचर से हटा हुआ था, भाई दे नहीं रहे थे, लेकिन अब फाइनली जो है व्हाट्सएप के ऊपर ये काम करना स्टार्ट कर दिया जो मार्क जुगाड़ या फिर उनके जो डेवलपर्स वो काम करना स्टार्ट कर दिए। और कुछ दिन के बाद में आपको इस पर मल्टी डिवाइस सपोर्टेड का फीचर देखने को मिल जाएगा। जैसे क्या होता है कि आज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब आप चाहो तो एक से चाहे जितना भी ज्यादा फोन में आराम से आप चला सकते हो, लेकिन व्हाट्सएप नहीं चला सकते थे, लेकिन अब जो है व्हाट्सएप आप चला पाओगे। तो बात कर लीजिए जो मैंने फर्स्ट व्यू और फोटोज वाला और सेकेंड जो मल्टी डिवाइस सपोर्टेड था, इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं दी गई है कि कब तक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन जो फर्स्ट डिसअपीयरिंग मैसेज वाला था वो आपको 2 मंथ या 3 मंथ में आपको देखने को मिल जाएगा। तो चलिए गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और उसके बाद जो बेल आइकन है उससे भी दबा सकते हैं एक्साइटिंग वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।